ये देखिए एकदम छोटू सा रोज़ है, तो मैं ये और मुझे लगता है बहुत सारे जानवर हैं, तो हो सकती हूँ तो दौड़ के चलती हूँ। बहुत सारे मुझे जानवर दिख रहे हैं और इतना ऊबड़ खाबड़ में गिरता है ना ये महुआ। सॉरी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी मैं हूँ अपने गांव में। फिलहाल मैं गांव आ चुकी हूँ दोस्तों, मेरे हाथ में टोकरी और अभी हो रहा मॉर्निंग का 5:20 यानी कि 5:30 बजने ही वाला है। और अभी मुझे जाना है महुआ उठाने, महुआ बीन ने, क्योंकि ये लास्ट महुआ गाइस। और ये बहुत अमेजिंग है और बहुत सुबह सुबह पड़ जाती है। देखिए अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है, 5:30 भी नहीं हुआ अच्छी तरीके से भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस महुआ के पेड़ के नीचे हमें जाना है। जब हम यहाँ पर थे तो पहले इस वाले महुआ को मैं बिना कर दी थी जब यहाँ पर थी, और इस वाले महुआ के पास हमें जाना है अभी। आम का जो पेड़ है इस वाले महुआ में अभी महुआ गिरते हैं। अभी ना गांव में हल्की हल्की सी ठंडा है, ठंडा ठंडा मौसम फील हो रहा है, ठंडा ठंडा सा हवा चल रही है। सो पहले सबसे पहले मैं एक यहाँ से रोज़ लगाऊंगी अपने बालों में, तो यहाँ से लगाती पहले मैं एक रोज़। इस टाइम का रोज़ बहुत छोटे छोटे हैं, देखिए एकदम छोटू सा रोज़ है, तो मैं ये रोज़ लगाऊंगी अपने बालों में, क्योंकि आपको तो पता है मुझे रोज़ लगाना बहुत पसंद है बालों में। सिर्फ ये वाला खेत कटा था पूरा और अभी आई हूँ तो चारों तरफ के खेत साफ हो चुके हैं, पूरा गेहूँ कट चुका है, पूरा थ्रेसरिंग हो चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो जानवर भी खेत में बनना स्टार्ट हो गए, नहीं तो पहले गाँव वाले घर के पास सारे जानवर रहते थे, फिलहाल अभी तो सब खेत में हैं। लास्ट महुआ होता है ये, मतलब सबसे लास्ट में इसके फ्लावर्स गिरते हैं और मुझे लगता है बहुत सारे जानवर हैं, तो हो सकता है कहीं महुआ खाना लिए हों। तो दौड़ कर चलती हूँ, बहुत सारे मुझे जानवर दिख रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट कर दी क्योंकि मुझे थोड़ा सा सेटअप बनाने में टाइम चला गया मेरा, क्योंकि थोड़ा सा बैटरी कैमरे में कम थी। सो चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको कि जानवर कितने आ गए हैं पेड़ के नीचे। हमारा आम का पेड़ और इसके जस्ट बगल से है महुआ का पेड़, और देखिए गाइस कितने सारे जानवर हैं। तो हो सकता है सारे महुआ खा भी गया होगा जानवर। एक दिक्कत गाइस यहाँ पे यही रहती है क्योंकि बाहर भी गिरता है, तो देखिए ये खा रही है गाय महुआ यहाँ का। तो देखिए इधर के महुआ तो इसने सारे खा लिए हैं, ये देखिए क्योंकि बहुत सारे जानवर थे और ये बहुत मॉर्निंग में गिर जाता है महुआ। तो देखिए इधर एक भी महुआ नहीं बचे हैं, सारे खा चुका है ये। और देखिए कितने सारे झुंडे में जानवर थे। तो इधर बहुत कम ही गिरते हैं, ये बीच वाली क्यारी में तो बिल्कुल भी, बस यहाँ पे गिरे हैं तो इनको उठाएंगे। और देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी पड़ती है क्योंकि इसका लास्ट है। तो ये बहुत ऐसे ऊबड़ खाबड़ में पड़ता है ना, तो इसको बिनने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखिए और इसके महुआ भी एकदम छोटकू सा होता है और ये सुबह के लगभग 4:30 बजे तक ही इसके महुआ गिर जाते हैं। ये देखिए कितना छोटकू सा महुआ है, एकदम सूखा है, इसमें चिपचिप बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है ये उठाना, मुझे छोटे महुआ बिनना पसंद है। सो देखा आप लोगों ने, एक साइड का महुआ तो ये जानवर ही खा चुके हैं, बस एक साइड का बचा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आज और थोड़ा सा 10-15 मिनट, बट हो सकता है बहुत पहले जानवर यहाँ पे रुके रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पहले जानवर हैं, तो इसलिए खा भी लिए होंगे। कोई बात नहीं, जानवर को खाएंगे तो है, बट यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं जो अंदर वाला महुआ बचा है। और इतना ऊबड़ खाबड़ में गिरता है ना ये महुआ, इसके उस पार भी गिरता है, तो जल्दी से हम उठाएँगे यहाँ से महुआ। और मैं अपना कैमरा यहीं पर रखूँगी ज़मीन में और देखती हूँ कितने आज मुझे महुआ मिलते हैं, क्योंकि एक साइड के महुआ तो लगभग सारे, लगभग क्या, पूरे ही खा गए। एक साइड के महुआ तो पूरे जानवर ही खा लिए और एक साइड का तो हम उठाएँगे ही, चलते हैं। दोस्तों उठा लिया मैंने सारे महुआ, मैंने भी लिए पूरे महुआ, इस चंबल की घाटी का भी सारे महुआ मैंने भी लिया। और देखिए गाइस इतने ही हैं क्योंकि आज एक साइड के महुआ तो जानवरों के नाम था, और थोड़े से तोड़ेंगे आज मैंगो। देखिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस साल हमारा मैंगो कैसे, किस डिज़ाइन से लगा हुआ है। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं लगता था, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से, क्योंकि इधर से काफ़ी दूर लग रहा है। गायों का पूरा झुंड आ चुका है, देखिए
और एक छोटा सा बछड़ा देखिए, शायद उसकी मम्मी आगे है। चलो 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 भाई, खा लिए तुम लोग सब, सारे महुआ चट कर गए आज तुम लोग। कोई जानवर होगा, मरा पड़ा होगा, बेकार सी बदबू आ रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंगो, और देखिए नीचे नीचे के कितने बच्चे परेशान करते हैं, दिन भर तोड़ते हैं, दिन भर छाड़ते हैं इस आम के अमियाँ। तो अभी अमियाँ ही हैं, मैंगो कहाँ बोल सकते हैं इसको भी। हमारा मैंगो लगा हुआ है एक ही साइड, थोड़ा सा एक डिज़ाइन के हिसाब से, तो इतना डिज़ाइनर है, इसको डिज़ाइन में ही लगना पसंद आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार बैक कैमरे से। और देखिए सूप भी आ चुकी है, और मैंने महुआ भी उठा लिए हैं पूरे, बट फिर भी अभी ठंडक है गाँव में। गाँव में तो यही बात अच्छी है कि इतनी गर्मियों में भी ठंडक रहती है, तो अच्छा भी लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ काम करते हैं। देखिए डंडा यहाँ पे भी फंसा है, और देखिए किस टाइप से लगा हुआ है इस बार मैंगो हमारा। देखिए ये ऐसे गया है और ऐसे पीछे पलट के उस एरिया में लगा हुआ है। इस वाला एरिया, ये वाला एरिया और बैक का पूरा खाली है, और कुछ इस टाइप से लगा हुआ है। और ये तो दशहरी मैंगो है, यानी कि जिसे कलमी बोलते हैं। कथर की वजह से इसका साइज छोटा हो गया, बब्बा ने बहुत टाइम पहले लगाया था, दशहरी मैंगो ही था, बट इसका साइज़ जमीन के वजह से छोटा होने लगे है। ये मीठा है और पत्तियां मतलब शक्ल ख़राब कर दी है पूरा पेड़ की। और देखिए ये वाली मैंगो, जो ये मैंगो लगी है छुप रही होगी, ये पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, वो बेहतरीन जानते होंगे कि इस अमिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से इसका इस किस नाम से इसको नवाजते हैं। और बहुत ही मीठी होती है इस टाइप की अमिया। सो जिनको जिनको पता होगा, इस जो जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हुए वीडियोस देख रहे हों, और इस अमिया को क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, वो कमेंट करिएगा। और काफ़ी मीठी होती है, तो इसको भी मैं एक रख लूँगी, क्योंकि इसको मैं भी टेस्ट करने वाली हूँ आज। ओह माय गॉड, ये वाली चिड़िया ना इतनी आवाज़ करती झुंड में आती है, अगर आप बोल रहे हो ना बहुत तेज़ी तरीके तेज़ी से भी, तो आपकी आवाज़ नहीं आने वाली। तो थोड़े से मैंगो पहले तोड़ लेती हूँ, मैं देखती हूँ मैं कितने पाती हूँ। सिर्फ 5 मैंगो तोड़ पाई हूँ, और देखिए मेरे हाथ में कितना इसका तोड़ लग गया है, तो 5 ही लूँगी गाइस। और देखिए अब कितनी ज़्यादा धूप हो चुकी है, और देखिए मम्मी लोग तो पता दिख नहीं रही हैं अभी। यहाँ से जानवर जो भी गाय थी भैंस थी, इनको अंदर रखा जाएगा। अब इनको चारा डाला जाएगा, भूसा वगैरह और आटा वगैरह कालू सो रहा। और गाइस एक अमेजिंग बात, मैंने आपको जब फर्स्ट जब मैं यहाँ थी तब मैंने इसको डॉली के बच्चे दिखाए थे, जब उस पैरा के नीचे थे खलिहान में, तो अब मुझे शायद 3 ही दिखे थे, बट अभी फ़िलहाल इसके बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, कम से कम 5 थे, एक एक्सपायर हो चुका है जब मैं आई थी यहाँ पे, अभी 4 बच्चे हैं। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको कि डॉली के कितने बच्चे हैं, और मैं आपको डॉली के बच्चे भी दिखाने वाली हूँ कि डॉली के बच्चे कितने हैं और किस कलर के हैं। मोस्टली आपको ब्लैक दिखा था, और पीछे कालो, और कालो की गर्लफ्रेंड यानी कि डॉली सो रही हैं। डॉली के सारे बच्चे सब बुलाती हूँ, चेरी 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 अली चीली आ गए क्या, एक कहाँ है चेरी? देखिए देखिए क्या कर रहे हैं चेरी, देखिए कैसे अंदर देखा है। हाँ ऐसे बैठो, ऐसी ये चेरी है, देखिए क्या खाया है, कोयला खाया है, और घुसा बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, और यहाँ पे है ये भी ब्रदर है ये भी, तो बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। चेरी हो आप, चेरी हो ना, हाँ दो गाइस बाय बाय बोल दो गाइस बाय, हेलो गाइस बोलो, चेरी बोल दो, हेलो गाइस। देखिए मैं अब बड़ा हो गया हूँ। सो मैंने इनको सबको अंदर कर दिया, क्योंकि गाइस धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी एकदम मासूम से बच्चे हैं, तो इनको थोड़ा सा डराना पड़ता है, नहीं तो पीछे पीछे भगते रहते हैं दिन भर। और देखिए मैं आपको अपना चौसा मैंगो और तोता परी से मिलवाती हूँ, कितने बड़े हो चुके हैं, एकदम छोटी छोटी सी अमियाँ लगी थी, एकदम छुटकू सी, और अभी मेरे हाथ में इतना साइज है इसका, देखिए इतना। सो मुझे जिस बात का अफसोस था वही हुआ, मुझे पता था कि यहाँ से जाऊँगी तो मेरी सारी गुआवा, एक ही गुआवा थी देखिए, छोटी सी गुआवा, वो भी थोड़ी सी बची है, देखिए
एक ही गुआवा बची है, बाकी पूरी गुआवा भी खा लिए हैं। इसमें इसमें स्मेल नहीं है, बाकी जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था जब मैं महुआ पीने गई थी, उत्तर शहरी मैंगो का बहुत अच्छा स्मेल था। और धूप लगेगी, बहुत ज़्यादा होने लगी है, 8 बजा है, बट ऐसा लग रहा है दोपहर का टाइम हो गया है। तो पहले कर लेते हैं दातून हम, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। कर लिया अभी ब्रश और अब करते हैं गाइस ब्रेकफास्ट, देखते हैं ब्रेकफास्ट में है क्या क्या। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है यहाँ से थोड़े से, ये काफ़ी ठंडे हैं। शाम का 5, और देखिए इस डॉली के बच्चे ने बहुत परेशान कर रखा है मुझे, नाक में दम कर रखा है, और अभी फिलहाल मुझे लग चुकी है गाइस भूख। तो यहाँ से लेते हैं हम लोग बगिया से चेरी टमाटो, खूब सारे चेरी टमाटो और रोटी 9। और धूप काफ़ी कम हो चुकी है और लू भी कम हो चुकी है, तो हम यहाँ से लेंगे खूब सारे चेरी टमाटो। मुझे टमाटो इतना पसंद नहीं करती, टमाटो तो दिन में भी खाती, सलाद में ही खाती हूँ, बट चेरी टमाटो खाने का मन है थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा, और देखिए कितनी ज़्यादा लगी हुई हैं। तो मैं एक कटोरा इसमें चेरी टमाटो भर के तोड़ने वाली हूँ और खूब सारा खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बगिया में बहुत सारे चेरी टमाटो हो चुका है। और दोस्तों किन किन को पसंद है ये ऐसे टमाटर रोटी खाना, ये छोटी टमाटो, और इसका थोड़ा सा स्वाद जो होता है ना, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा होता है, तो ये और ज़्यादा टेस्टी बना देता है। और ऐसे गाँव में मज़ा बहुत आता है मुझे इस टाइम पर। तो गाइस देखिए मैंने इतनी सारी चेरी टमाटो ले लिए हैं, और ये चेरी भी नीचे ही आ रहा है, और ये बच्चे बड़ा बदमाशी करते हैं, मेरे पैर नीचे से काटना शुरू कर दें, कृष्ण भय कर रहा है। तो अब मैं इनको धुलती हूँ और इसके बाद खाते हैं। तो गाइस बड़ा भूख लगी है, ऐसे भूख लगती है शाम को ही, तो अभी शाम का 5 हो रहा है, तो फटाक से धुलेंगे टंकी में हम लोग इस टमाटो को। एक कटोरी भर के यहाँ पर मैंने ले लिए छोटी टमाटो, और 2 मिर्च है, नमक है, और घी लगा हुआ रोटी है, चूल्हे का रोटी है। तो गाइस अब वेट नहीं हो रहा, अब फटाक से खाते हैं हम लोग भोजन। तो आप लोगों में से जिनको जिनको ये पसंद हो तो खाइए, क्योंकि रूखा सूखा ही है बट बड़ा ही टेस्टी होता है, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और गाइस मैं तो गांव आ चुकी हूँ, तो मुझे तो नसीब हो रहा है, क्योंकि वैसे भी मुझे गाँव की चीज़ें पसंद होती हैं, मोस्टली ऐसी चूल्हे की रोटी। खा लिया है, और यहाँ पे मुझे बनाना है अपना देसी किचन, क्योंकि गर्मी आ गई है दोस्तों, तो मैं अपने बगिया पे बनाने वाली हूँ, अपने किचन का सेटअप करने वाली हूँ। सो यहीं पे मैं बनाऊँगी, मैंने साइड से ना पत्थर लगा दिए ताकि अगर पानी भी आएगा तो थोड़ा सा रोक के रखेगा, और थोड़ा सा मैं इसको ऊँचा करूँगी इस बाउंड्री को, और मिट्टी बीच में डालूँगी। तो अभी ना बहुत करने के बाद मैं म्यूज़िक भी सुन रही थी, और इतना करी थक गए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना स्ट्रगल किया है अभी, बट इतना इनफ है मेरे लिए आज के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से मेरे बाल की। यहाँ से ना इतनी मिट्टी यहाँ पर डाल दी है, ये मिट्टी ऐसे भर के मैंने पत्थर साइड चार तरफ लगा दिए हैं, अच्छे से बना दूँगी। और ये मिट्टी मैंने पास में खोदी है, देखिए यहाँ पर इतनी मिट्टी मैंने खुदाई कर दी है, और इसमें मैं पानी डाल दूँगी। एक तो आँखें दिखा तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।